फ्रेंड्स, केम छो? मजा मचो? मजे में ही रहने चाहिए। आप लोगों की मुझे बहुत चिंता है। स्टे सेफ एट होम, ओके? आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ आपके सामने, आपके समक्ष, वो है कि थर्ड पार्टी की असलियत क्या है। असली में वो है क्या चीज़, आज हम वो देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग भी जानना चाहेंगे कि ये थर्ड पार्टी आखिर में है क्या चीज़, है क्या भला। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में थर्ड पार्टी की असलियत जानेंगे। आज मैं आपको थर्ड पार्टी की असलियत बताऊंगी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी आखिर है क्या चीज़। चीटर ही होती है ये थर्ड पार्टी, ये लाइफ बर्बाद करने के लिए ही आती है। ओके फ्रेंड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। एक्चुअली में ये थर्ड पार्टी ना बहुत ही बुरी होती है, बहुत ही शातिर होती है। द मून, टेन ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको ही फायदा होगा, बेनिफिट होगा मेरे वीडियोस से। आप लोग देखकर चले जाते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए ना, अभी ही कर दीजिए। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फ्रेंड्स, इससे मेरी भी मदद होती है थोड़ी। प्लीज़ फ्रेंड्स, और अपने फैमिली फ्रेंड्स वालों को भी बोलें सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को, और लाइक करने के लिए, शेयर कमेंट करने के लिए। किंग ऑफ वैंड्स, पर्सनल रीडिंग के लिए भी बोलिएगा, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दें। फ्रेंड्स, इट्स नॉट फ्री, इट्स पेड। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, आपको अगर टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स करना है, बेसिक ही कर लीजिए, आपको भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पता चल जाएगा अपना। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड्स। अपन लोग जान पाएंगे अपने आप कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है, क्या कर सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, जजमेंट कार्ड अच्छा आया है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द मैजिशियन, बॉटम की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जिसको मैं यहां रख देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो की असलियत बताऊंगी मैं आपको। बॉटम का कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जिसको हमने यहां रख दिया है। अर्थ साइन तो कितना सारा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड फायर साइन एरीज, सजिटेरियस, लियो। तो ऑलमोस्ट सारे ही साइन आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी की असलियत आखिर है क्या। ओके, दो कार्ड्स हैं जो आपको भी सब कुछ क्लियर हो गया होगा, काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा, बाकी का सारा तो मैं ही क्लियर करूँगी, है ना? तो कौन कौन से कार्ड हैं? एक तो मून, आप समझ ही गए होंगे, जैसे कि मून निकला है, ये सिर्फ धोखा देने के लिए आती है लाइफ में थर्ड पार्टी। ये मून निकला है ना फ्रेंड्स, इससे ये पता चलता है ये सिर्फ धोखा देने के लिए आती है थर्ड पार्टी लाइफ में, किसी को भी धोखा देने के इंटेंशन से ही आती है। ये टेंशन देने, बर्बाद करने के लिए ही आती है। ऐसी इसकी इंटेंशंस होती हैं कि ये कैसे बर्बाद करे, कैसे धोखा दे, कैसे पैसे को पाए,
ऐसी इंटेंशंस नहीं है इसकी कि इसको प्यार दे नहीं मिल रहा है तो मैं प्यार कर दूं, नहीं, ऐसा कोई दिल नहीं है उसका थर्ड पार्टी का। वो सिर्फ फायदे के लिए ही आती है, फायदा उठाने के लिए आती है और बाकी लोगों की लाइफ बर्बाद करने के लिए आती है। देखो गाइज, ये थर्ड पार्टी जो है ना बहुत चलाक है, बहुत ज़्यादा चलाक है। चलाक कैसे पता चला, ये देखो द मैजिशियन का कार्ड। द मैजिशियन का कार्ड निकला है ना फ्रेंड्स, तो मैजिशियन जैसा होता है ना फ्रेंड्स कि दिखाता कुछ और है, निकाल कुछ और देता है अपने पिटारे में से, तो वैसी सी है ये, इसी तरह की है थर्ड पार्टी। एक मैजिशियन जैसी चालाक दूसरे को पहले तो हिप्नोटाइज कर लेती है अपनी बातों में, ऐसे फंसा लेती है अपनी बातों में, ऐसी चाशनी लगा लगा के फंसाती है अपनी बातों में दूसरे को, फिर बाद में क्या करती है उसको, बाद में फिर उसे काटेगी। समझ रहे हैं ना आप फ्रेंड्स, तो ये काम करती है ये पहले बातों में फंसाती है, पहले नज़दीकियाँ बनाती है, पास आती है, पहले फंसाती है, पहले कनेक्शन बनाती है दोस्त, फिर दोस्त बोलकर या फिर ऐसे ही हेल्प करने के इरादे से उसे, या अपनी हेल्प लेने के लिए इसी तरह से किसी ना किसी तरह से कनेक्शन बनाती है सबसे पहले। उसके बाद धीरे धीरे उसके वो बॉन्ड बनाती है और फिर उसके बाद ये वो हासिल करती है जो इसको चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो देखो चाहिए होता है उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा, और दूसरा क्या चाहिए, और तो कुछ भी नहीं चाहिए इसे, इसे तो बस पैसा ही चाहिए, पैसा 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 ही पैसा चाहिए। इसको बनना है अमीर आदमी, राजा की तरह धन दौलत चाहिए इसे, अमीर बनना है, बहुत ज़्यादा अमीर, बहुत सारा पैसा उसको कदमों में, मतलब ऐसा पैसा बिछा हुआ हो कि चाहे वो जो भी खरीद पाए, जो उसका मन करे वो करे, उस पैसे से कुछ भी कर सके, उसका जिस चीज़ को खरीदने का मन है वो खरीद पाए। ठीक है, बहुत बड़े बड़े सपने हैं इसके और इन सपनों को पूरा करने के लिए ही वो इस तरह के काम करती है। दिखाएगी खुद को कि वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, बहुत नरम दिल है, बहुत बढ़िया है, उसका दिल तो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि पूछो ही मत, उसको पैसे से कोई मतलब नहीं है, ऐसे दिखाएगी उसको, कोई पैसे से मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है पैसे से, क्या होता है पैसा, कुछ भी नहीं। लेकिन गाइज वो पैसे के लिए ही जीती है, पैसा ही उसके लिए राम है, पैसा ही उसके लिए रहीम है, पैसा ही उसका भगवान है, पैसा ही उसका अल्लाह है, पैसा ही उसका गॉड है। ओके, और बड़ी ही ना अकड़ू है, अकड़ के बोलती है थर्ड पार्टी, सीधे मुंह किसी से बात नहीं करेगी, हर किसी से तो बात ही नहीं करती, जिससे उसका मन करेगा उसी से बात करेगी और उससे भी बहुत डिस्टेंस रखती है, सिर्फ उन्हीं लोगों को ही अपने पास रखती है जिनसे इसे कुछ फायदा हो। ओके, देख रहे हो आप ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हो, दूसरी तरफ मुंह है, दूसरी तरफ मुंह कर रखा है ना किंग ऑफ वॉन्ड्स में इसने, दूसरी तरफ मुंह है तो आपकी तरफ तो देख भी नहीं रही है ये, और मेरी तरफ तो ये थर्ड पार्टी देख ही नहीं रही है और अपना ही डंडा लेकर बैठी हुई है, मतलब इसकी अपनी ही हुकूमत है, वही ये चाहती है और वही करना है, उसी को ये बेचारे को नचाती है और उसी को ही ये चलाएगी और आगे भी ऐसे ही करेगी ये, क्योंकि ये है ही ऐसी एरोगेंट सी, घमंडी, पता नहीं किस चीज़ का घमंड है। अगर आप इसको इसको भी देखो ना, इसको जो है ये थ्रोन, ये जो इसका सिंहासन है, ये जो इसकी थ्रोन है, ये ऐसे मतलब सोने का तो है नहीं जिसमें हीरे जवाहरात लगे हुए हों, और जहाँ पर ये बैठी है थर्ड पार्टी, ये सीमेंटेड है, कुछ सीमेंट से बना हुआ है, सीमेंटेड है। ठीक है कुछ नहीं इसके पास, कुछ नहीं है इसके पास, अपना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा घमंड है, बहुत ही ज़्यादा घमंडी, ईगोइस्टिक एटीट्यूड वाली अकड़ू ऐसी है ये। ठीक है,
और ये क्या गाइज, ये क्या करती है देखो, टेंशन बहुत लेती है ये। थर्ड पार्टी बहुत सोचती है, बहुत सोचती है, सोचती रहती है दिन रात, ओवर थिंकिंग करती है, टेंशन लेती है। उसको डर भी लगता है हमेशा कि उसकी सल्तनत ना हिल जाए, उसकी हुकूमत ना ख़त्म हो जाए। समझ रहे हो, ये कार्ड बता रहा है, ये कार्ड बता रहा है थ्री ऑफ वैंड्स के, ये टेंशन में बहुत रहती है, इसको दर्द रहता है हर टाइम। ये देखो, ये आपको ये लग रहा होगा जैसे कि किसी एरिया का, जैसे कि किसी एरिया का सरदार है या फिर कोई कबीले का सरदार है जो खड़े होकर अपनी सल्तनत को देख रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है, कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है इसकी हुकूमत में, इसकी सल्तनत में सब कुछ ठीक तो चल रहा है, ये देख रही है ये। तो थर्ड पार्टी को ये भी टेंशन रहती है कि कहीं आप ना आ जाओ, कहीं आपके पर्सन कहीं और ना चले जाएं उसे छोड़कर, ये टेंशन रहती है थर्ड पार्टी को, हमेशा इनसिक्योरिटी बनी रहती है। ऐसे ही वो कई बार सोच में आ जाती है, डर लगता है उसे ना ऐसा ना हो जाए और वैसा ना हो जाए, और वैसे जो है ये अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। वैसे ये कभी प्यार देना जानती नहीं है, सच्चा प्यार क्या होता है ये थर्ड पार्टी नहीं जानती है, सच्चा प्यार क्या होता है। अब ये देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सच्चा प्यार देना जानती नहीं है, क्योंकि देखो ये हमारे दो ब्रेन होते हैं, लेफ्ट और राइट। एक जो लेफ्ट पे होता है वो पैसे के लिए काम करता है, लॉजिकल होता है, बहुत प्रैक्टिकल होता है, और जो राइट ब्रेन होता है ना वो इमोशनल होता है। तो दोनों बैलेंस्ड बहुत ही रेयर लोगों में होते हैं, बट ना एक काम करता है, दूसरा काफ़ी डल रहता है। इसीलिए जो लॉजिकल होते हैं वो दिल से काम नहीं लेते, और जो दिल से काम लेते हैं ना उनको हिसाब किताब कुछ नहीं आता, प्रैक्टिकल नहीं होते हैं वो। इसीलिए थर्ड पार्टी जो है वो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है। अगर वो अंदर से फ्रस्ट्रेट है और मनी माइंडेड है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में वो इमोशंस के बारे में नहीं जान सकती, या वो इमोशनल नहीं हो सकती है, सेंसिटिव नहीं हो सकती है, वो केयरिंग नहीं हो सकती है, या फिर कोई चाहे कुछ भी करे, ठीक है ना, वो इमोशनल तो हो ही नहीं सकती। इसे खुद को कभी भी ये अपने आप से कभी सेटिस्फाई नहीं होती है, ये किसी भी तरह से, ये थर्ड पार्टी खुद को कभी भी ये सेटिस्फाई नहीं समझती। आप इसको कितना भी प्यार करते हैं कभी सेटिस्फाइड नहीं होगी थर्ड पार्टी जो है ये, और ऐसे ही वो सिर्फ दिखाना चाहती है। ये देखो पेज ऑफ कप्स, ऐसे ही वो दिखाना चाहती है, बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है इसकी, इसे पता ही नहीं होता, इसे पता ही नहीं है कि सच्चा प्यार क्या होता है। इसके लिए प्यार खेल है, इसके लिए प्यार खेल होता है। खेल मतलब इससे फ़ायदा लिया तो उसके साथ प्यार का नाटक कर दिया, उससे फ़ायदा लिया तो इसके साथ प्यार का नाटक कर दिया। ये ना हमेशा से बहुत बहती सी रहती है। ये देख रहे हो आप, पीछे पानी है ना, ये बहती सी रहती है। पीछे पानी जो बह रहा है बहुत उथल पुथल नहीं है, ये सिर्फ बह रहा है, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है। समझ रहे हैं गाइस, तो ये लाइव बताता है, इसका मतलब कि ये थर्ड पार्टी जो है ना हमेशा बहती रहती है, ये कभी स्टेबल नहीं है, ये कभी टिकी नहीं रहती, थोड़े टाइम के लिए आई है और इसको आगे बढ़ जाना है थर्ड पार्टी को, क्योंकि ये बहुत इमैच्योर है, इसको नहीं पता कि लाइफ में सही क्या है और गलत क्या है। तो गलत अगर किसी के साथ करती है तो इसको क्या नुकसान हो सकता है या क्या कर्मा मिलेगा, इसको ये दिमाग में नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ चाहिए होता है पैसा, ठीक है गाइज। और ये बहती रहती है इस पानी की तरह। इस कहानी को ये कार्ड भी प्रूफ करता है, जजमेंट का। जजमेंट मतलब कि इसका जो कार्मिक है, इसका ना जो कार्मिक है थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के साथ, कुछ कार्मिक टाइम चल रहा है, तो
तो ये फेज जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा। अगर कार्मिक है तो ख़त्म होगा ही, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग टर्म रिश्ता नहीं होता है। इसका टाइम भी पूरा होने वाला है थर्ड पार्टी के जाने का। और ये यही बता रहा है, ये यही बता रहा है कि वो थर्ड पार्टी हमेशा बहती रहती है, उसका काम है आगे बढ़ना, रुकना नहीं है। तो वो कहीं पर भी किसी के लिए भी अपना टाइम ख़राब नहीं करती, अपनी लाइफ ख़राब नहीं करती ये थर्ड पार्टी। वो आपकी तरह बेवकूफ़ नहीं है, आपकी तरह नहीं है वो जो अपने पर्सन के लिए अभी भी रुके हुए हैं। आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, और आप बहुत पेशेंटली बिना आगे मूव किए, बिना अपने पर्सन को छोड़े हुए, आप अभी भी यहीं पर हैं, अपने पर्सन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसी नहीं है, ये बहुत जल्दी आगे बढ़ जाती है। इसको पता नहीं आगे बढ़ना है, पैसा लपेटना है लोगों से, पैसा हड़पना है, ठीक है, इसको फ़ायदा देखना चाहिए बस। समझ रहे हैं आप? ये देखिए, ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अच्छा, और जो है इसके साथ और भी लोग हैं, इसके साथ और भी लोग हैं जो इसके साथ हैं। इसके फ्रेंड सपोर्ट कर सकते हैं इसे, या उसकी फैमिली में हो सकते हैं कोई, जो भी थर्ड पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो या तो फ्रेंड्स हो सकते हैं या फैमिली हो सकती है। उन्हें भी पैसे का लालच है, जो लोग सपोर्ट करते हैं इस थर्ड पार्टी को, उसे सलाहें दे रहे हैं, उल्टी सीधी सलाहें दे रहे हैं, हाँ उसको समझाने की जगह आगे बढ़ा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। उनको भी पैसों का लालच है, सिर्फ और सिर्फ ताकत के लिए, सत्ता के लिए। उनको ताकत का लालच है, पैसे का लालच है, सत्ता का लालच है। हो सकता है गाइज, ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है ना, उन्होंने थर्ड पार्टी को कुछ प्रॉपर्टी लेकर दिला दी हो, प्रॉपर्टीज दिला दी हों, या थर्ड पार्टी को बहुत सारा सामान दिला दिया हो, या थर्ड पार्टी की जो फैमिली है उनको भी आपके पर्सन कुछ 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 करते हों। तो उसके चक्कर में थर्ड पार्टी जो भी कुछ गलत कर रही है, मतलब उसको सही समझाने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि जो उसको साथ दे रहे हैं वो भी तो लालची हैं, वो भी तो पैसे का, सत्ता का, ताकत का लालच उन्हें है। कैसे लोग हैं फ्रेंड्स, देखिए कितने गंदे लोग हैं, उसके घर वाले भी और उसके फ्रेंड्स भी। कैसी सोसाइटी से है वो थर्ड पार्टी, आप खुद ही समझ रहे होंगे। तो थर्ड पार्टी को अभी तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसा ही देखती है, कोई प्यार नहीं किसी से, कोई फीलिंग्स नहीं, ठीक है। और अच्छी बात ये है गाइज, इसका जो फेज़ है, फेज़ ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये हमेशा के लिए आपकी लाइफ में नहीं रहेगी, ये हमेशा से आपकी लाइफ में नहीं रहेगी फ्रेंड्स, क्योंकि यूनिवर्स भी आपके साथ है। और जैसा थर्ड पार्टी ने किया है वैसा उसे मिलना ही है। तो ये फेज़ ख़त्म हो जाएगा, आप चिंता ना करें, ये फेज़ ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशन है आपके पर्सन के साथ उसका, जो ख़त्म हो जाएगा। कार्मिक रिलेशंस होते हैं जो आते हैं, थोड़ा सा दुख देते हैं इंसान को, दूसरे इंसान को और पर्सन को जिससे जिसके साथ वो होते हैं, और फिर वो लेकिन चले जाते हैं, यूनिवर्स उन्हें भेज देता है। कार्मिक रिलेशन वो होते हैं। आपके पर्सन की लाइफ से, आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी जो है चली जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ फ़ायदा उठाती है। किन लोगों का फ़ायदा उठाती है गाइस? जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, परेशान होते हैं, ठीक है, या उन लोगों का फ़ायदा उठाती है जिन लोगों के रिश्ते में थोड़ी सी भी दरार आ गई है, थोड़ी सी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो ये देखो, ये दो द मून का कार्ड है ना, ये क्या दिखा रहा है, आप इसे देखिए, क्या करती है थर्ड पार्टी, आप देख रहे हो, यहाँ पानी है, पानी में बिच्छू है, ये पानी के अंदर था, ये दो लोग आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, छींटाकशी कर रहे थे, बुरी तरह से ब्लेम कर रहे थे एक दूसरे को, लड़ रहे थे कुत्तों की तरह, कुत्ता फजीती चल रही थी। तो ये पानी में नीचे बैठे बैठे पहले तो ऑब्जर्व करता रहता है ये बिच्छू, मतलब ये बिच्छू थर्ड पार्टी है, आप ये सोचें, ये दोनों आप पति पत्नी हैं, ये बिच्छू थर्ड पार्टी है, ये पहले ऑब्जर्व करती है क्या हो रहा है, आप लोगों में क्या लड़ाई हो रही है, बातें पता करती है, सुनती रहती है। उसके बाद जब सही मौका होता है ना, जब इसको सही टाइम मिलता है, तब ये निकल कर जो डंक मारती है, समझ रहे हैं आप लोग, ये करती है वो थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर गाइज, वो थर्ड पार्टी जो है, हो सकता है आपके पर्सन के साथ काम करती हो, जहाँ पर आपके पर्सन करते हों,
या फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाकर वो आई हो, या किसी हेल्प की वजह से, या हेल्प कराने के लिए, या हेल्प करने की वजह से आई हो। और पहले तो उसने सिर्फ कनेक्शन बनाया, उसके बाद उसने उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। जैसे कि रिश्ते कैसे चल रहे हैं, ज़िंदगी में आई पहले उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो देखा, रिश्ते कैसे चल रहे हैं वो सारी बातें उसने उगलवाई आपके पर्सन से। और बस उसका काम तो बहुत आसान हो गया करने में ही, क्योंकि कमज़ोरी तो आपके ही पर्सन में थी, उन्हीं की साइड से थी, वो ही कमज़ोर थे, उन्हीं का तो फ़ायदा उठा लिया। तो यहाँ पर देखो, थर्ड पार्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो है घर में घुसी है पहले तो, और अपना एक अच्छा सा इम्प्रेशन बनाया है सबके ऊपर, और फिर उसके बाद जो आपके पर्सन को खींचकर साइड ले गई है, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए आ रहा है। कंट्रोल में करके तो रखती ही है आपके पर्सन को, ऐसा है कि आपके पार्टनर इसके पूछे बिना कुछ भी नहीं करते हैं, और जैसा ये कहेगी वैसा ही करेंगे। बिकॉज पहले पैसे के लिए इसने स्ट्रगल की है, थर्ड पार्टी ने, इसका लालच बढ़ता चला गया है, इसके सपने बहुत बड़े हैं, तो इसलिए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके साथ कौन है, इसको सिर्फ पैसा चाहिए। ठीक है, पैसे के लिए ये और आगे बढ़ जाएगी, बढ़ती चली जाएगी और आगे बढ़ती जाएगी। इसको नहीं मतलब, ये तो इमैच्योर एनर्जी है, ये तो इमैच्योर एनर्जी है फ्रेंड्स, बेवकूफ़ है ये। पेज ऑफ कप्स का ये दिख रहा है, और देखिए फ्रेंड्स, द टावर भी आ गया है। इससे क्या पता चलता है, टावर मोमेंट आया है, टावर मोमेंट और जजमेंट, टावर मोमेंट और जजमेंट, जो ये दो कार्ड्स आए हैं, ये दोनों आ गए हैं। तो ये तो थर्ड पार्टी की बैंड बजनी ही है फ्रेंड्स, ये तो जानी ही है आपके पर्सन को छोड़ के, आपकी लाइफ से ये निकलेगी, ये टेंशन निकलेगी, आई एम डेड श्योर, मुझे दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग, कैसी लगी आपको बताएं। मेरे फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू बेल आइकन, ऑल बटन पे क्लिक कीजिए। ये अभी करके जाइए ना फ्रेंड्स, अभी आपने देख लिया है तो, इससे मुझे भी हेल्प मिलती है फ्रेंड्स, मैं भी मोटिवेट होती हूँ अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। प्लीज़ कर दीजिए ना, आप सिर्फ देख के चले जाते हैं। लाइक तो करिए, कमेंट तो दीजिए, शेयर तो करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स वालों को, बताइए मेरे चैनल के बारे में, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बटन पे क्लिक करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए। और पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप नंबर होगा मेरे वीडियो पे। आपको अगर टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स करना है, बेसिक ही कर लीजिए, अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जान लीजिए, अपने बच्चों का भी देख सकते हैं, पति का भी देख सकते हैं, अपना भी देख सकते हैं। तो आप अगर वो चाहते हैं करना, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, आई लव यू ऑल, टेक केयर।